भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का वीडियो नंबर 4 है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का वीडियो नंबर 4 ये यूजफुल है फॉर यूपी टेट सीटेट प्राइमरी लेवल एंड जूनियर लेवल्स एंड अदर वनडे एग्जाम एंड यूपी प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट। ठीक है, तो एंड यूपी पीजीटी में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में भी ये वाला पोर्शन आता रहता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन यही है, यहीं से क्वेश्चन बना करते हैं। क्वेश्चन है इसमें कि संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था, तो वो था कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था वो है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। एंड इसके मध्य कुल अधिवेशनों की संख्या कितनी थी, यानी उसमें कुल कितने अधिवेशन थे, अधिवेशन हुए 12 अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो 12वां अधिवेशन था वो था 24 जनवरी 1950 में। 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था, जबकि 11वें अधिवेशन यानी कि जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था एवं अधिनियमित किया गया था। तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा पर द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किस अधिनियम द्वारा किए गए थे, तो 12वें अधिवेशन द्वारा में। एंड 11वें अधिवेशन में क्या किया गया था, 11वां अधिवेशन कब हुआ था, 11वां अधिवेशन हुआ था 26 नवंबर 1949 को, एंड इसमें संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। तो क्वेश्चन आ जाता है संविधान को अंगीकृत कब किया गया या इसको अधिनियमित कब किया गया था, तो वो था 11वें अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था, प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघ संविधान समिति एवं संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे V.N. Rao। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, V.N. Rao। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट हैं जो सही करेक्ट पॉइंट लेने हैं, तो जैसे कि है प्रारूप समिति के मूलतः एक कांग्रेसी सदस्य थे। प्रारूप समिति में मूलतः एक मात्र कांग्रेसी थे, वो थे K.M. Munshi। एंड संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे H.C. Mukherjee। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे H.C. Mukherjee। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे T.T. Krishnamacharya। ठीक है, T.T. Krishnamacharya। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भारतीय ध्वज के बारे में कुछ पॉइंट लेते हैं, तो भारतीय ध्वज में क्या क्या है। जो भारतीय ध्वज है, भारतीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इनकी भारतीय ध्वज कब अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा कब लिया गया, भारतीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, तथा भारतीय ध्वज के बीच चक्र होता है, ध्वज के बीच में चक्र होता है, चक्र में 24 तीलियां होती हैं, जबकि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई, जो इसकी चौड़ाई का जो अनुपात होता है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 होता है, सॉरी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई 3:2 कहेंगे, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1949 को।
संविधान सभा में संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था, यह हुआ था 17 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों हेतु गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों हेतु गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान निर्मातृ परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप में तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियम अथवा अपनाया गया था, अधिनियमित अथवा अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया अथवा अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था 22 जुलाई 1947 को, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणमन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को, यानी 24 जनवरी 1950 को जनगणमन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15। ये क्वेश्चन बहुत आता है, पीसीएस वगैरह में भी आ चुका है, कई एक बार आ चुका है, बड़े बड़े एग्जामों में रिपीट हो चुका है। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ऑप्शन होते हैं 10, 10, 12, 8, 16, इस तरह से डालते हैं। ठीक है, तो जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15। आसानी से मतलब याद होगा तो बता ही पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1949 को लागू भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत अथवा अपनाया गया था, तो ये हो गया 26 नवंबर 1949 को। ये क्वेश्चन तो बता चुके हैं, 26 नवंबर 1949 को वो संविधान को अंगीकृत किया गया था अथवा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह या अशोक स्तंभ से लिया गया है को अंगीकृत किया गया था, यानी राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्चता निहित है संविधान में, यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्चता निहित है, कहीं में निहित है, वो है संविधान के, संविधान में। ठीक है।